सो हेलो गाइस, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में कुछ स्पेशल तो नहीं है, फिर भी स्पेशल तो बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। फिर भी फ़िलहाल मैं तो ये अपकमिंग फ़ोन्स का ये जो वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़े से सब्सक्राइबर्स गेन होने के बाद मैं थोड़ा सा पबजी का प्रैंक वीडियो बना लिया करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मेरे पास डिवाइस का प्रॉब्लम है तो समझ सकते हो आप, उसके वजह से। बाकी मैं आपको बढ़िया कंटेंट दूंगा, तो जरूर जरूर भैया सब्सक्राइब कर लो ना मेरे चैनल को। और चलिए मिलते हैं। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं Realme GT Neo 5 का, फुल रिव्यू करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। प्राइस जानेंगे, कब लॉन्च होगा और इसमें कौन सी फीचर्स देखने को मिलेगी दोस्तों, सारा कुछ इस आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों डिस्प्ले की तरफ में। तो डिस्प्ले तो अभी उसका लीक्स तो हुआ नहीं है, डिस्प्ले का कुछ मतलब फ्रंट व्यू का कुछ लीक्स बाहर आया नहीं है। तो फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ उसका फीचर्स बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है दोस्तों। तो इसमें हमें 6.7 इंच का ब्लैजलेस पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों। और इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा, और इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और लीक्स जैसे ही आपको बाहर आए मतलब बाहर आएगी दोस्तों, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा Realme GT Neo 5 की। तो बात करते हैं पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, जो कि दोस्तों 50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का रहने वाला है। और एक LED फ्लैश देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि ये लगभग पोको से एक कोई पोको का मॉडल उससे मिलता जुलता लुक पीछे का लग रहा है। तो काफ़ी ऐसे ही देखने में बेहतरीन बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ दोस्तों। तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस का फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, जो काफ़ी गेमिंग के लिए बढ़िया स्मूथ बनाता है, एकदम मज़ा आ जाएगा दोस्तों। इसमें आप अगर BGMI या पबजी वगैरह और भी फ्री फायर वगैरह खेलते हो, तो ये फ़ोन आपके लिए तगड़ा रहने वाला है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आप खेल सकते हैं। और इसमें हमें देखने को मिलता है 6 GB रैम और 128 GB रोम के साथ हमें इसमें स्टोरेज देखने को मिलता है। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और 150 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है दोस्तों। बात करते प्राइस की, तो ये 39,999 के अराउंड में इस फ़ोन का प्राइस रहने वाला है, और ये मार्च 2023 में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। तो प्राइस की बात करें दोस्तों, तो प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा आपको रैम भी मिल जाता है, 5000 mAh बैटरी मिल जाती है, 6 GB रैम भी मिल जाती है, बस आपको स्टोरेज 128 मिलता है इसके जगह। हाँ, एक सौ अट्ठाईस भी ठीक ही है प्राइस के हिसाब से दोस्तों, तो प्राइस भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर ले सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ऐसे ही अपकमिंग फ़ोन के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।